अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, उम्मीद है आप सभी बख़ैर होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी में मशगूल होंगे। तो आइए बिला ताखिर हम पिछले लेक्चर का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लसानी ख़ानदान का तसव्वुर देखा था, लसानी ख़ानदान का तसव्वुर पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? इंडो यूरोपियन ज़बान का इर्तका कैसे हुआ है? हिंद यूरोपी ज़ुबान की इब्तिदा कैसे हुई? उसके साथ साथ हम लोगों ने उसके आगे बात क्या पढ़ा था? विनफर्ड पी लहमन के नज़रिए को पढ़ा था। किसके नज़रिए को? विनफर्ड पी लहमन के नज़रिए को पढ़ा था। साथ में हम लोगों ने विलियम जॉन्स के नज़रिए को भी देखा था। किसके नज़रिए को देखा था? विलियम जॉन्स। और साथ में हम लोगों ने तकाबुली मुताला भी किया था। किस किस जुबान का? ईरानी, संस्कृत और फारसी जुबान का। तो आज यूनिट 1 के उर्दू जुबान की तारीख को मद्देनजर रखते हुए हम लोग हिंद आर्याई का इर्तका पढ़ेंगे। और यह भी हम लोगों ने देखा था कि हिंद आर्याई इंडो यूरोपियन हिंद यूरोपीय जुबान की एक शाख है। हिंद यूरोपीय जुबान की कई शाखों में से एक शाख है उसकी, जो है हिंद आर्याई है, जिसे इंडक भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हिंद आर्याई का इर्तका कैसे हुआ। तारीख के मुताले से मालूम होता है कि शुरू शुरू में आर्य वस्ती एशिया में आबाद थे। वस्ती एशिया मतलब मिडल ईस्ट। शुरू शुरू में आर्य कहाँ आबाद थे? मिडल ईस्ट में। फिर एशियाई कोचक, जो कि अब टर्की का हिस्सा है, एशियाई कोचक जो कि अब टर्की का हिस्सा है, को अपना वतन बनाया। फिर वहां से नकले मकानी करके जनूब मशरिक की जानिब चलकर ये लोग 2500 कबले मसीह में ईरान पहुंचे। यानी टर्की का जो हिस्सा है उसको अपना वतन बनाया था। उसके बाद वो लोग वहां से चल करके जनूब मशरिक की जानिब बढ़े और 2500 कबले मसीह में ईरान पहुंचे। फिर ईरान में इन लोगों ने 1000 साल कायम किया और उसके बाद 1500 कबले मसीह में हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी खित्ते पंजाब में वारिद हुए। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि आर्य आज से 3500 साल कबल हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे और पंजाब में मुकिम हो गए थे। रफ्ता रफ्ता ये लोग यहाँ से मशरक की जानिब बढ़ते गए और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इनकी बोल चाल और जुबान में भी तब्दीली वाकई हो गई। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम ये बना लेते हैं हिंदुस्तान का मैप। ये हिंदुस्तान का हमारा मैप हो गया, ठीक। अब यहाँ पंजाब में वारिद हुए आर्य जो है 1500 कबले मसीह में, 1500 कबले मसीह में ये जो है पंजाब में वारिद हुए, यानी मगरबी खित्ते। फिर यहाँ से ये धीमे धीमे रफ्ता रफ्ता मशरक की जानिब बढ़ते गए। अब ये जब मशरक की जानिब बढ़ते गए तो इनके बढ़ने के साथ साथ इनकी जो बोली थी, इनका जो जुबान था, ये जो जुबान बोलते थे, जाहिर सी बात है इसमें भी फर्क वाते होता होगा। फर्क इस वजह से भी वाकई होगा कि जब ये लोग इस तरफ बढ़ रहे थे तो यहाँ के जो मकामी लोग होंगे, जो मकामी बोलियाँ होंगी, उनके असरात उन पर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इन असरात पड़ने की वजह से उन वो जो जुबान लेकर के आए थे उसमें तब्दीली वाकई हो गई। अब हम ये भी देखते चले कि जब ये 2500 कबले मसीह में ईरान पहुंचे और वहां से 1500 कबले मसीह में हिंदुस्तान पहुंचे, यानी जब इन लोगों ने 1000 साल तक ईरान में कयाम किया है, तो जाहिर सी बात है कि वहां की बोलियों का असर भी उनके ऊपर होगा, या वो ईरानी ही बोलते होंगे। लेकिन वो जब 1500 कबले मसीह में हिंदुस्तान आए और यहाँ से वो धीमे धीमे मशरक की जानिब बढ़ते गए तो यहाँ के मकामी बोलियों का असर उनके जुबान पर पड़ा, यानी ईरानी जुबान पर पड़ा। इसी वजह से हमने पिछले लेक्चर में ईरानी संस्कृत और फारसी का सौती तवाजुन भी किया है। ये भी देखा है कि सौती मुमासलत क्या क्या पाई जाती है, वो मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको लिख करके बेहतरीन तरीके से समझाया था। तो अजय साथियों, अब इसके बाद हम हिंद आर्याई के दौर को समझेंगे। आर्यों का दाखिला देख लिया कि ये किस तरीके से आए हैं और इनके जुबान किस तरीके से बदलती गई। अब हम देखेंगे हिंद आर्याई के कितने दौर हैं। तो हिंद आर्याई का पहला दौर है कदीम हिंद आर्याई, जिसे हम लोग कहते हैं कदीम हिंद आर्याई। ये इसका दौर क्या है? इसका दौर 1500 कबले मसीह।
1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह। इसके बाद हम लोग देखेंगे वस्ती हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, इसका दौर क्या है, 500 कबले मसीह से 1000 सन ईस्वी। इसके बाद हम लोग देखेंगे जदीद हिंद आर्याई, क्या देखेंगे, जदीद हिंद आर्याई, इसका दौर है 1000 सन ईस्वी से लेकर जमाने हाल तक, जमाने हाल तक। तो जी साथियों, अब हम देखेंगे कि कदीम हिंद आर्याई में कौन सी जुबान बोली जाती थी और किस जुबान का इर्तका हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए वस्ती हिंद आर्याई को देखेंगे और इस दौर में देखेंगे कि कौन सी जुबान बोली जाती थी। उसके बाद हम जदीद हिंद आर्याई को देखेंगे और फिर इन तीनों का जब हम मुआजना कर लेंगे तो उर्दू किस तरीके से निकली है, उर्दू किस तरीके से हम तक पहुंची है, उसका माखज क्या है, उसका मंबा क्या है, किस तरीके से उसकी इब्तिदा हुई है, ये सारी बातें हम बखूबी पढ़ेंगे और समझेंगे। जब हम कदीम हिंद आर्याई दौर को देखते हैं तो हिंदुस्तान में मगरिब ता मशरिक जिस जुबान का इर्तका और फरोग अमल में आया उसे संस्कृत कहते हैं। यानी कदीम हिंद आर्याई दौर में जब हम हिंदुस्तान के मगरिब से लेकर मशरिक की जानिब बढ़ते हैं तो जो जुबान फरोग जिस जुबान का इर्तका हुआ या जो जुबान अमल में आई उस जुबान को संस्कृत कहते हैं। संस्कृत के सबसे कदीम नमूने हमने वेदों के जुबान में मिलते हैं। संस्कृत के सबसे कदीम नमूने हमने कहाँ मिलते हैं, वेदों की जुबान में मिलते हैं, इसलिए इस जुबान को वेदिक संस्कृत भी कहते हैं। सबसे कदीम वेद ऋग्वेद है जो हिंदुओं की मुकद्दस किताब है। इसके अलावा इस दौर में तीन और वेद तख्लीक किए गए जिसके नाम सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद है। यानी हम ये देखते हैं कि कदीम हिंद आर्याई दौर में वेदिक संस्कृत का दौर भी कहते हैं इसे, और इस दौर में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद ये चार के चार ही जो मुकद्दस किताब हिंदुओं की मानी जाती है ये इसी जुबानी में तख्लीक की गई। अब ये हम तक कैसे पहुंचे और हमें कैसे मालूम हुआ कि ये संस्कृत में ही लिखी गई है, क्योंकि वेदों को जो है मजहबी तकद्दस हासिल था इसलिए इन्हें हिफ्ज कर लिया जाता था और नस्ल दर नस्ल इनकी जुबानी मुंतकली का सिलसिला जारी रहता था। यानी ओरली जो है संस्कृत जुबान आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, ये बात भी काबिल जिक्र है कि उर्दू जुबान में आज जो हम अ ए ई उ ए उ ए ये जो हम देखते हैं इसके इर्तका कब हुए थे, इसके इर्तका संस्कृत जुबान के दौर में वेदक दौर में हो चुकी थी जिसके नमूने हमको मिलते हैं। या आज जो हमारी जुबान में ये नमूने मिल रहे हैं ये नमूने कदीम हिंद आर्याई दौर में इर्तका पा चुकी थी। इसी दौर में अब हम देखेंगे क्लासिकी संस्कृत, यानी रामायण और महाभारत जो लिखी गई है वो क्लासिकी संस्कृत में लिखी गई है। क्योंकि कदीम हिंद आर्याई दौर को जब हम पढ़ते हैं, जब हम चारों वेदों का मुताला कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, यानी ये जो संस्कृत जुबान है, जब इस जुबान में अदब तख्लीक की गई, जब इस संस्कृत जुबान में अदब तख्लीक की गई तो सबसे पहले हमें जो नमूने मिलते हैं वो रामायण और महाभारत के मिलते हैं। यानी अजय, अब हम देखते हैं कि क्लासिकी संस्कृत क्या है। तो क्लासिकी संस्कृत वेदक संस्कृत के बाद संस्कृत की दूसरी शक्ल क्लासिकी संस्कृत का इर्तका अमल में आया। यानी संस्कृत जुबान में जब अदबी तसानीफ का सिलसिला शुरू हुआ तो यह क्लासिकी संस्कृत कहलाई। धीरेन्द्र वर्मा लिखते हैं यह मसनूई या अदबी जुबान थी। महाभारत और रामायण जैसी तसानीफ जिसे बिला तामुल आलमी अदब के मुकाबले में पेश किया जा सकता है क्लासिकी संस्कृत में ही तख्लीक की गई। यानी हम ये देखते हैं जब वेदक संस्कृत जो था, वेदक संस्कृत के बाद जब संस्कृत धीमे धीमे रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ती गई और जब उसमें अदबी तसानीफ का सिलसिला शुरू होता है तो उसे हम क्लासिकी संस्कृत कहते हैं और उसकी मिसाल रामायण और महाभारत जैसी तसानीफ हैं। क्लासिकी संस्कृत को आम इस्तेमाल में महज संस्कृत भी कहा जाता है।
बाज माहिरीन ने वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत इन दोनों को मिलाकर भी संस्कृत कहा है। संस्कृत ने अपने इर्तका के दौरान हिंदुस्तान के गैर हिंद आर्याई बोलियों के असरात कबूल किए हैं, यानी मगरिब से लेकर जब मशरक़ की जानिब संस्कृत बढ़ी है तो गैर हिंद आर्याई जो बोलियां थी उनके असरात भी कबूल किए हैं। गैर हिंद आर्याई बोलियों के असरात भी कबूल किए हैं और उन्हें मुतासिर भी किया है। तारीखी एतबार से उर्दू का लिसान रिश्ता संस्कृत से देखा जाता है या माना जाता है। उर्दू बिलखसूस कदीम उर्दू में संस्कृत के बेशुमार अल्फाज पाए जाते हैं जिन्हें तस्सम भी कहते हैं, यानी हमारी ये जो उर्दू ज़ुबान है इसमें बेशुमार अल्फाज संस्कृत के दाखिल हैं। जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि इसमें फारसी और अरबी के भी अल्फाज दाखिल हैं, फारसी अरबी इनके अल्फाज भी हमें उर्दू में बेशुमार मिलते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा हमें जो अल्फाज मिलते हैं वो संस्कृत के मिलते हैं जिन्हें हम तस्सम भी कहते हैं। शुमाली हिंदुस्तान में ये जो भारत का मैप अगर हम देखें, भारत का नक्शा देखें, तो शुमाली हिंदुस्तान में मगरिब ता मशरिक पूरे एक हज़ार साल संस्कृत का चलन रहा है। फिर इसमें तब्दीलियां रूनमा होने लगे, यहाँ तक कि 500 कबले मसीह तक संस्कृत ने दम तोड़ दिया और एक दूसरी जुबान का रूप इख्तियार कर लिया जिसे प्राकृत कहते हैं। संस्कृत के खात्मे के साथ ही कदीम हिंद आर्याई का दौर भी खत्म होता है। अब हम संस्कृत की कुछ इलाकाई बोलियां देखते हैं, यानी संस्कृत जब मगरिब ता मशरिक की तरफ बढ़ने लगी तो कुछ इलाकाई बोलियां भी हमको मिलती है जिनको हम देख लेते हैं। वो इलाकाई बोलियां कौन कौन सी है? एक तो अदीचा है, दूसरा प्राच्या है और तीसरा मध्य देशी है। ये संस्कृत के इलाकाई बोलियां हैं। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो अदीचा जो है शुमाली मगरबी खित्ते में राज थी। कहाँ राज थी? शुमाली मगरबी खित्ते में। और प्राच्या कहाँ राज थी? प्राच्या जो है ये शुमाली मशरिक की थी, शुमाली मशरिक की। और मध्य देशिया जो है यह अदीचा और प्राच्या के दरमियानी इलाके की थी जिसे अम्बाला से इलाहाबाद तक फैली हुई थी। अम्बाला से इलाहाबाद तक इसी दौर में हमें पाननी का जिक्र मिलता है। पाननी कौन थे? यानी 500 कबले मसीह तक पहुँचते जब संस्कृत दम तोड़ने लगी और उसके इवज में जब प्राकृत जुबान वजूद में आई तो पाननी जो हसास आलिम जुबान थे इन्होंने इस फर्क को महसूस किया और इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने अष्टाध्यायी तख्लीक की। अष्टाध्यायी क्या है? ये एक मंजूम किताब है, संस्कृत जुबान की एक मंजूम किताब है, यानी कवायद है। कवायद के उसूलों में जकड़ा है उन्होंने, जो कि 8 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसमें तकरीबन 4000 सूत्र यानी शेरी सतूर पाए जाते हैं और इन सूत्रों की मदद से पाननी ने संस्कृत जुबान की नहायत जामे और मुकम्मल तहजीब बयान की है और उसके साख्त का इंतहाई बारीक बीनी से तजदिया पेश किया है। यह बात काबिले जिक्र है कि पाननी के अहद तक इस जुबान का नाम संस्कृत नहीं पड़ा था। पाननी ने अपनी जुबान को भाषा कहा है। लफ्ज संस्कृत जिसके माने साहिस्ता और नफीस के आते हैं, इसमें खास के तौर पर जुबान के माने में बहुत बाद में इस्तेमाल हुआ है। हिंद आर्याई का दूसरा दौर वस्ती हिंद आर्याई कहलाता है, यानी कदीम हिंद आर्याई के बाद जो दूसरा दौर आता है वो वस्ती हिंद आर्याई है और उसका ज़माना जो है 500 कबले मसीह ता 1000 सन ईस्वी है। इस दौर में प्राकृत की 3 शक्लें इर्तका पज़ीर हुई, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। पहले प्राकृत में पाली
और अशोक के कुतुबों का जिक्र मिलता है। अशोक के कुतुबों का जिक्र मिलता है, यानी बुद्ध मजहब ने जो अपने मजहबी पैगामात दिए हैं वो पाली जुबान में दी है, और अशोक के जो सियासी उसूल हमें लिखे हुए मिलते हैं वो भी हमें पहले प्राकृत में ही देखने की मिलती है। उसके बाद दूसरे प्राकृत में जब आते हैं तो दूसरे प्राकृत में हमें उसके कई शाखें मिलती हैं, यानी प्राकृत भी जब जो है जुबान जब आगे रफ्तार रफ्तार आगे बढ़ने लगती है और जब अदबी शक्ल अख्तियार करने लगती है तो उसमें हमें कई शाखें मिलती हैं। पहली प्राकृत मैंने देखा, पाली देखा और अशोक के कुतुबों को देखा। दूसरे प्राकृत में हम देखेंगे कि शोरसेनी प्राकृत का वजूद अमल में आता है, शोरसेनी प्राकृत। इसके बाद आता है मागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत। उसके बाद आता है अर्ध मागधी प्राकृत, अर्ध मागधी प्राकृत। इसके बाद आता है महाराष्ट्रीय प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत। इसके बाद आता है पेशाची प्राकृत, पेशाची प्राकृत। यानी प्राकृत भी जब आगे बढ़ने लगती है, और फिर जैसे संस्कृत क्या था, एक बोली थी, अवामी बोली थी, लेकिन जब वो अदबी शक्ल अख्तियार करती है तो उसका वजूद खत्म होने लगता है और उसके इवज में जो है प्राकृत वजूद में आती है। इसी तरीके से प्राकृत जो है जब ये अदबी शक्ल अख्तियार कर लेती है तो अपभ्रंश वजूद में आती है, यानी जब हम तीसरे प्राकृत को देखते हैं तो उसमें हम अपभ्रंश को देखते हैं, जिसको कहते हैं दूसरे प्राकृत के बाद जब हम तीसरे प्राकृत की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्राकृत जो है ये जब अदबी शक्ल अख्तियार कर लेती है तो अपभ्रंश का वजूद होता है। यानी तीसरे प्राकृत में हम अपभ्रंश का इब्तिदा हो जाता है और प्राकृत जो है वो अदबी शक्ल अख्तियार कर लेती है। अब अपभ्रंश की भी कई शाखें हैं, एक शोरसेनी अपभ्रंश है, उसके बाद एक मागधी है, फिर अर्ध मागधी है, फिर महाराष्ट्री है, और उसके बाद कई कई अपभ्रंश हैं।